Stadium. लंदन की वीडियोस में देखी है आल। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहरिया टाउन में। मेरे बच्चों ने कहा पापा हमें पीपल बस सर्विस जाना है। मैंने कहा पीपल बस सर्विस जाके क्या करोगे बच्चों, आज मैं आप लोगों को डबल ड्रैगन बस सर्विस का विजिट कराऊंगा। जी हाँ, इस वक्त कराची में भी डबल ड्रैगन बस सर्विस चलती है जो कि बहरिया टाउन में, अब दुबई जाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, कराची में भी आप डबल ड्रैगन बस के मजे ले सकते हैं। कुछ ज्यादा नहीं हो गया। तो ये बेसिकली विजिटर्स के लिए बहरिया में इसका आगाज हुआ है। हफ्ते में 3 दिन ये डबल सर्विस चलाई जाती है, जुम्मा, हफ्ता और इतवार। और इसका जो किराया है वो फी पर्सन जो है वो 200 रुपीज़ है। बाय सीट ये बस जाती है और हर एक घंटे के बाद जाती है। शाम 5 बजे से रात 10 बजे तक ये बस सर्विस अवेलेबल है। और ये बस सर्विस का मकसद ये है कि जो लोग बहरिया का विजिट करना चाहते हैं और बहरिया की रोड्स देखना चाहते हैं, यहाँ के फ्लैट्स देखना चाहते हैं, यहाँ के शॉपिंग मॉल्स देखना चाहते हैं, और यहाँ पर जो थीम पार्क बनाया है, जो गल्फ क्लब बनाया है, और जो चीज़ें भी देखना चाहते हैं, तो वो 1.25 घंटे में तकरीबन पूरे बहरिया का इसमें नज़ारा कर सकते हैं। मुझे कुछ दिखाएंगे जरा? देर बाद यानी 6 बजे के करीब ये बस यहाँ से स्टार्ट होगी। तो इंशाल्लाह ताला मैं अपने बच्चों के साथ इसके ऊपर विजिट करूंगा। आपको बस और अच्छी है, बस मैंने ऐसी बस लंदन की वीडियोस में देखी है। ओह माय गॉड, वाओ। बस भाई आपको कैसी लगी भाई? इतनी अच्छी, इतनी बढ़िया, मैंने पहली दफा देखी। तो बैठ के कहाँ जाना है आप ये बता, आप नीचे बैठ के जाएंगे या ऊपर बैठ के जाएंगे, क्या सोचा आपने, क्या डिसाइड किया है? ऊपर। हाँ ऊपर, एसी में नहीं बैठ के जाना आपने भाई? ऊपर नकारा करते हुए जाएंगे पूरे। और जैनब आपका क्या इरादा है भाई, कहाँ बैठ के जाना है आपने? ऊपर। तो भाई आज क्योंकि हमने वाइफ को कर दिया स्किप, चूंकि उनके हो रहा था सर में दर्द, अगर वो आती तो हम सबके सर में वो कर देती दर्द। तो इस वजह से हमने ये सोचा कि आज हम अपने बच्चों को लेकर इंशाल्लाह ताला बहरिया का विजिट करेंगे। आपको एक बात और बताता चलूं कि अगर आप संडे को यहाँ पे विजिट करते हैं, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता, 7 बजे से लेकर 10 बजे तक डांसिंग वाटर का बहुत जबरदस्त नजारा पेश किया जाता है। क्योंकि ये दुबई में हुआ करता था तो दुबई की तरफ से बनाया, तो इन्होंने यहाँ पर भी वाटर डांसिंग का बहुत ज़बरदस्त सेटअप लगाया है। वो संडे वाले दिन 7 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक तकरीबन वो यहाँ पर देखने को मिलता है। तो कुछ और ही समझ रहा था। तो जब ये बस आधे घंटे के लिए जो वहाँ पर स्टॉप करती है तो वो वहीं पर स्टॉप करती है, वहीं पर हमारे नेशनल सॉन्ग्स भी लगते हैं जिसके ऊपर जो वाटर है वो वाटर डांसिंग का प्रोग्राम होता है और हम वाटर को डांस करता हुआ देखते हैं और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है। मैं आ चुके, आज फ्राइडे है तो आज तो ये ओपन नहीं होगा, लेकिन संडे में जिस तरह से वाटर डांसिंग का जो नज़ारा होता है वो इंशाल्लाह ताला उसकी क्लिप में इसके अंदर ज़रूर आपको दिखाऊंगा। और ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है हमारी कि हमारे कराची शहर में माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और इस तरह की बसेस भी मौजूद हैं। एक मिडिल क्लास बंदा भी आकर बड़ा ईजिली 200 रुपीज़ अफोर्ड कर सकता है और पूरे बहरिया का विजिट कर सकता है। बहरिया के अंदर एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो इंशाल्लाह ताला उसका भी नज़ारा करेंगे। यहाँ पर एक आइफल टावर बनाया गया है, बिल्कुल पेरिस की कॉपी बनाया गया है, इंशाल्लाह ताला उसका भी हम विजिट करेंगे। और यहाँ पर कराची का सबसे बड़ा प्ले लैंड थीम पार्क यानी एडवेंचर थीम पार्क है, उसका भी हम इंशाल्लाह ताला बाहर से नज़ारा करेंगे। यहाँ की रोड्स कैसी हैं, यहाँ के शॉपिंग मॉल्स कैसे हैं, बस में बैठ कर ये हमें बताते रहेंगे। और ये भी मैं आपको बताता चलूँ, अक्सर वेशर ऐसा होता है फ्राइडे को आवाम कम होती है, जिस वक्त 15 पैसेंजर होते हैं उसी सूरत में ये बस स्टार्ट होती है। चले अब बस का विजिट करते हैं। मजा आएगा ना भिड़ो। अब हम बस के अंदर दाखिल हो रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, और ये देख सकते हैं ये इसका इंटीरियर है माशाल्लाह, कुशादा सीट्स हैं यहाँ पे। तकरीबन नीचे ये जो टोटल फुल एसी है और 64 सीट्स हैं तकरीबन इसमें, काफ़ी कंफर्टेबल ही देखिए सीट्स हैं यहाँ पे, बहुत बढ़िया।
अब हम यहाँ से ऊपर चलेंगे। हर जगह पे एलसीडी लगी हुई है, यहाँ पे वो आपको गाइड करते रहेंगे किस जगह से गुजर रहे हैं, कौन कौन सी जगहें आ रही हैं यहाँ पे। और ये भी हाफ पोर्शन जो है वो एसी है। सो व्यूअर्स, इस बस में मुझे सबसे अच्छा जो पोर्शन लगा वो यहाँ का लगा, क्योंकि ये जगह फुल ओपन थी और बहुत अच्छा स्पेस था, बहुत अच्छी यहाँ पे हाइट के ऊपर बहुत अच्छी लोकेशन आ रही थी, बहुत अच्छी यहाँ से मनासिर देखने को मिले और बहुत अच्छी यहाँ से वीडियो शूट हुई। मज़ा आ रहा है बस में? जबरदस्त। कैसे लग रहे हैं यहाँ पे आगे, कैसी है? मज़ा आया, दुबई की तरह लग रही है। अरे वाह, दुबई की तरह लग रही है। बस आप दुबई गए हैं आप? नहीं नहीं जी। बट यार मजा आ गया, बहुत तेज हो रहा है। कर्नीवाल यानी तौहीद कमर्शियल से हमारा सफ़र शुरू हुआ। ये उल्टे हाथ पे आप देख सकते हैं बहरिया का मेंटेनेंस है, और ये कर्नीवाल बहुत मशहूर जगह है जहाँ पे लोग यहाँ पे आके फोटो सेशन करते हैं। और यहाँ की रोड्स बहुत ही ज़्यादा कुशादा, बिल्कुल दुबई की तरह पे बनी हुई हैं, और कई लाइंस हैं, कई रोड्स की लाइंस हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी यहाँ पे लाइटिंग देखने को मिली हमें जगह जगह के ऊपर। अंधेरे के बायस बहुत अच्छी वीडियो तो शूट नहीं हो सकी, लेकिन आप ये देखें कि किस कदर खूबसूरत आईफल टावर का मंज़र देखने को मिला, और जिस तरह की लाइटिंग चेंज हो रही थी, इसी तरह थीम पार्क में बहुत ही खूबसूरत लाइटिंग हो रही थी और बहुत ही दिलकश नज़ारा था। हमें लग ही नहीं रहा था कि जैसे हम कराची में हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बाहर ममालिक में किसी बस में सफ़र कर रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर इसमें हमें जगह जगह देखने को मिल रहे थे। कहाँ पे ये? मैं नहीं बताऊंगा। डांसिंग फाउंटेन, यानी वाटर डांसिंग फाउंटेन। अच्छा, हमको सिखा रहा है? यहाँ पर है, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ और सिर्फ संडे वाले दिन ओपन होता है। वो इस तरह से खूबसूरत वाटर फाउंटेन का नज़ारा आप संडे वाले दिन 7 से 10 बजे के दरमियान कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी जगहें थीं जिसकी मैं कवरेज नहीं कर सका लाइटिंग की कमी होने की वजह से। और बहुत ही खूबसूरत ये पुल था यहाँ पर। चला उतरे उतरे आराम पकड़ के बेटा, अच्छा पड़ेगी अभी गाड़ी, उतरे आराम आराम अभी रुकी गाड़ी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारे सफर का इख्तिताम हुआ। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। और हमारे बच्चों ने बहुत ज्यादा एंजॉय करा माशाल्लाह, और बस के तो क्या ही मजे थे। बहुत कंफर्टेबल बस थी और बहुत ही प्यारे रूट बनाए हुए थे, बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिले। समझ रहे हो? मेरा ये पर्सनल तजर्बा है कि अगर दिन में ये विजिट होता तो और ज्यादा मजा आया होता। ऐसे ही होता ना अभी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।